देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों की सफलता की कहानी ही देश के कृषि क्षेत्र और उनसे जुड़ी पहलुओं के सशक्तिकरण को दर्शाती है। धान के अलावा अन्य सभी अनाजों की वैज्ञानिक विधि से खेती हो, सब्जियों या फलों की खेती हो, या पशुपालन हो, या हो मछली पालन, भारतवर्ष में जागरूकता की क्रांति जो जरूरी थी वो अब आ चुकी है। कृषि जगत से जुड़े एक और पहलू जो किसानों को अतिरिक्त आय दिलाती है और इस आय का माध्यम बना है मछली पालन। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन व्यवसाय काफी तेजी से बढ़ रहा है। अनगिनत किसान और मछली पालक सरकारी योजनाओं जैसे नीली क्रांति या कहें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इन तमाम योजनाओं का अपनी आजीविकाओं को मजबूत करने के लिए सदुपयोग कर रहे हैं। और ऐसे ही एक आत्मनिर्भर किसान हैं स्वपन मंडल जी। कांकेर जिले से पखांजूर के अंतर्गत एक छोटे से गांव के कृषक बंधु, जिन्होंने मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य पालन विभाग की सहायता से अपने जीवन स्तर को बदला है और वर्तमान में आत्मनिर्भर और सबसे प्रमुख एक जागरूक सफल कृषक के रूप में अब वे जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेते हुए 5 एकड़ तालाब का निर्माण करके आज मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। पहले उनकी स्थिति इस प्रकार से नहीं थी, वो पहले बहुत छोटे डबरी से काम चालू किए, तालाब उनके पास तालाब नहीं था, पहले धान की खेती करते थे, फिर छोटे से तालाब में जब उनको फ़ायदा होने लगा तो वो धीरे धीरे फिर मछली पालन विभाग से संपर्क करके हमसे जुड़ करके करीब 2.5 एकड़ का तालाब पहले बनाए, तो उसमें जब उनको फ़ायदा होना चालू हुआ तो वो फिर अगले सत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभ लेते हुए 5 एकड़ तालाब का निर्माण किया और इसमें मछली पालन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का यहाँ पे पालन कर रहे हैं, जिसमें कि मेन IMC हो गया रोहू, कतला, मृगल तथा उसके साथ मोनोसेक्स तिलापिया है और साथ में रूपचंद और पंगासियस का भी कल यहाँ पे पालन कर रहे हैं और वो अपनी आय को दुगनी करके अपने आप को आत्मनिर्भर बना चुके हैं। स्वपन मंडल जी की कहानी शुरू होती है आत्म आकलन से, जब उन्होंने अपने मित्र को देखा कि वे केवल 1 एकड़ के जमीन में तालाब का निर्माण करवाकर 1 एकड़ के ही भूभाग में खेती करने से प्राप्त मुनाफे से 10 गुना ज्यादा लाभ ले रहे हैं। तब स्वपन मंडल जी ने भी सोचा कि मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि 1 एकड़ की जमीन में खेती करें और तालाब निर्माण करवाएं, इन दोनों में क्या अंतर है। इस चीज को उन्होंने जानने के लिए मत्स्य पालन विभाग कांकेर के पास गए। मेरे पास 2 एकड़ जमीन था, मैं पहले जंदरा और धान ये सब फसल लगाते थे, तो मैंने एक बार मैं कापसी गया, देखा यहाँ का कोई किसान मछली का कारोबार करते हैं, कोई 2 एकड़ 5 एकड़ में मछली पालन कर रहा है, तो हम लोग उसके घर में जाके बैठे और बोले भैया ये मछली धंधा में क्या कमाई क्या इनकम है। तो मेरे एक मित्रों ने बोला जो पहले हम लोग भी सब्जी शाक सब्जी करते थे तो इसमें उतना कमाई नहीं था, इनकम नहीं था, तो हम लोग कांकेर जिले में फिशरी इंस्पेक्टर द्वारा हम लोग यह जो सरकारी अनुदान से हम लोग सरकारी अनुदान दिया, ये हम लोग को ये हेक्टर हिसाब से पैसा यहाँ देते गया और हम लोग तालाब बनाते गया और इसमें बहुत कुछ मछली वगैरह हम लोग बनाया और इसमें बेच के बहुत कुछ पैसा हम लोग को मिले। मैंने वो किसान से पूछा जो तो तालाब का तालाब में कितना इनकम है, तो बोले हम लोग पहले हम लोग फिशा ये मछली डिपार्टमेंट में गया, वहाँ से अनुदान राशि लेके हम लोग आगे बढ़े, ये सब शब्द हम लोग किसान दोस्त बांधव सोचे, तो पहले इन लोग गरीबी था और यही से ये सब शब्द कहीं मेरे को बोला। तो मैंने सोचा जी इन लोग जब फिशर डिपार्टमेंट से अनुदान राशि लेके इन लोग भी आगे बढ़े हैं
तो मैं भी अगर प्रयास करे जे किसान ये फिशरी इंस्पेक्टर के पास मैं जाऊं और यहां से मेरे ये गरीब स्थिति का बताऊं और ये तालाब बनाने का बात बताऊंगा, तो साहब को मैं बोला मेरे ये 2 एकड़ ज़मीन है साहब, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, हमारा इधर का किसान तो सब आगे बढ़ गया मछली पालन करके, आपसे अनुदान लिया, आप लोग को सहारा से पूरा किसान यहाँ जितना लोगों तालाब बनाया सब लोग आगे बढ़ गया है। तो साहब लोग बोले तुम्हारा भी प्रस्तावित करो, यह पूरा फार्म वाम भरो और तुम लोग को भी हम लोग को ये अनुदान राशि देंगे। तो साहब के पास आके हम लोग ये फार्म भरे और हम लोग को बहुत सारा अनुदान राशि दिए और वही राशि पैसा से हम लोग तालाब बनाया, सब कुछ बनाया, बीज उत्पादन किए, बड़ा मछली भी बनाए और हम लोग भी साहब के द्वारा से हम लोग आगे बढ़े। स्वपन मंडल जी के शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो उनका जीवन शुरुआत में बेहद कठिनाई भरा रहा। बड़ी ही मेहनत लगन से खेती किसानी का काम करने वाले स्वपन जी को कुछ खास लाभ खेती किसानी से नहीं मिल रहा था। उनकी नजरों के सामने ही उतने ही एकड़ खेत में अन्न उगाने वाले अन्य किसान काफी आगे बढ़ रहे थे। अक्सर स्वपन जी के मन में ख्याल आता कि मेहनत में कहीं कमी तो नहीं, क्या कोई अन्य कृषि के रूप को अपनाना सही होगा जिससे अच्छी आमदनी हो तो जीवन स्तर भी सुधरे। मन में जिज्ञासा लिए स्वपन जी ने अपने मछली पालक मित्र को देखकर मत्स्य विभाग से सहायता प्राप्त की और जिस 1-2 एकड़ जमीन में वे धान या अन्य चीजों की खेती किया करते थे वहां अनुदान लेकर तालाब का निर्माण करवाया। मैंने पहले 1 एकड़ तालाब बनाया था, उसमें जो मेरे को मछली में मुनाफा मिला उसी पैसा से फिर 1 एकड़ तालाब बनाया और उसी में और मेरे को प्रॉफिट मिला। तो उसके बाद मैं सोचे इसमें तो बहुत इनकम है तो बहुत पैसा मुझे मिला, तो फिर भी मैं इधर आके कांकेर ज़िले में आके 5 एकड़ फिर भी ज़मीन खरीदा हूँ और ये यहाँ से 3 एकड़ ज़मीन फिर मछली डिपार्टमेंट के द्वारा से अनुदान राशि लेकर मैं भी फिर यहाँ तालाब बनाया, फिर भी यहाँ मछली पालन किया और यही तालाब से मैं बहुत पैसा इनकम भी किया। उसके बाद भी ये पैसा से फिर भी बाजू में 5-7 एकड़ के आसपास मैं फिर तालाब रेखा में लिया, वहाँ के भी इनकम होते गया। तो साहब लोग से द्वारा से जो मेरे को इतना मुनाफा मिला है, मैं भी सोचता हूँ हर किसान अगर अपना अपना ज़मीन को तालाब बनाएंगे और साहब के फिशरमैन डिपार्टमेंट के द्वारा से अगर अनुदान राशि ले तो इन लोग इसी पैसा से इनकम करके आगे बढ़ सकते हैं, अपना अपना जीवन को आगे बना सकते हैं। हम भी ऐसी मछली डिमांड के द्वारा से हमारा ये पैसा में अनुदान राशि मिला और हम लोग भी बहुत आगे बढ़े इसमें। तो मेरे विश्वास है जे अगर कांकेर ज़िला व छत्तीसगढ़ में जो फिशर डिपार्टमेंट से जो पैसा मिलता है, अनुदान राशि मिलता है, इसमें हर किसान का आत्मनिर्भरशील हो सकता है पैसा से। विभाग से प्राप्त अनुदान का सदुपयोग करके पहले ही साल में लगभग 1-1.5 लाख की कमाई की। किसान भाइयों, अगर हम अपने आसपास देखें तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं और अगर एक कदम खुद से आगे बढ़ाएं तो स्वपन मंडल जी की तरह अपने कामों को सही दिशा भी दे सकते हैं। स्वपन जी हमेशा से ही राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए शुक्रगुजार महसूस करते आ रहे हैं और उनका कहना भी है कि जो भी किसान भाई बंधु आगे बढ़ना चाहता है, अतिरिक्त आय अपनी आय में जोड़ना चाहता है, वे जरूर मत्स्य संपदा योजना या मत्स्य विभाग की सहायता से आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। मैं मछली विभाग द्वारा जो अनुदान राशि मिला इसीलिए मैं बहुत आत्मनिर्भरशील हो गया हूं और मैं मछली डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर इन लोग हर किसान को ऐसा अगर आगे बढ़ाएगा तो हर किसान भी आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ज़िंदगी में पहले बार ये अनुदान राशि मिला और ऐसा अनुदान राशि कोई जगह से नहीं मिला है, सिर्फ मछली विभाग द्वारा मिला था और मैं भी
धन्यवाद देता हूँ पूरा मछली विभाग को और छत्तीसगढ़ के बड़ा बड़ा अधिकारी को, जे मेरे को बहुत फायदा मिला है इन लोग से अनुदान लेके। स्वपन जी एक समय में सालाना बामुश्किल 10,000 रुपए ही कमा पाते थे। शुरुआती दिनों में 1-2 एकड़ की जमीन में खेती करने वाले वर्तमान में सिर्फ महज 4 महीने में 1,00,000 रुपए की कमाई कर रहे हैं। 15 से 16 एकड़ की जमीन ले चुके स्वपन जी 10 सालों की अथक मेहनत और लगन से वे मछली बीज उत्पादन, मछली पालन, रोजगार, मत्स्य व्यवसाय में माहिर हो चुके हैं और लगभग 40 से 50 लोगों को रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं अपने मछली पालन के कार्य से। और ये सब संभव हो पाया सरकारी योजनाओं की सहायता राशि, मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य विभाग कांकेर के अनुदान से। इनको देख करके हमारे आसपास के कृषक 40 से 50 मत्स्य कृषक प्रेरणा लेकर के अपने स्वयं के जमीन में तालाब निर्माण का कार्य किए हैं तथा मछली पालन कर रहे हैं और इस पे अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यदि इसकी बात की जाए तो अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। किसान भाइयों, इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली पालकों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शासन के विभिन्न योजनाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें तालाब निर्माण का कार्य होता है, जिसमें आपको मत्स्य कृषकों को लाभ देने के लिए सरकार की योजनाएं, जिसमें कि 11,00,000 का एक यूनिट कास्ट होता है तालाब निर्माण के लिए, जिसमें 7,00,000 का एक यूनिट कास्ट तालाब निर्माण का होता है और 4,00,000 का यूनिट कास्ट इनपुट्स के लिए होता है। इसमें आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्गों को 60% अनुदान दिया जाता है और सामान्य वर्ग OBC वर्ग को 40% अनुदान दिया जाता है। और इसके साथ ही साथ मछली पालन करने के लिए विभाग से प्रशिक्षण और साथ में नाव जाल की व्यवस्था की जाती है तथा मछली बीज विभाग से उनको प्रदान किया जाता है। मत्स्य संपदा योजना भी उन योजनाओं में से एक है जिसके तहत किसानों को तालाब, हैचरी, खाने की मशीन, क्वालिटी टेस्टिंग लैब दिया जाता है। इसके साथ ही मछली रखने के लिए और उनके संरक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के कुछ प्रगतिशील कृषक 8,000 से 12,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का मेजर कार्प मत्स्य का उत्पादन ले रहे हैं। 70 टन प्रति हेक्टेयर तक पंगेशियस मत्स्य का उत्पादन भी प्राप्त किया जा रहा है। स्वपन जी ने खेती किसानी का काम किया और मछली पालन को अपनाकर आज वे मत्स्य संपदा योजना या मत्स्य विभाग कांकेर की सहायता से आगे बढ़े हैं। पहले जैसे ये एरिया में मछली बीज पर कलकत्ता से आते थे, यहाँ कोई मछली नहीं बनाते थे और अभी हमारा ये कांकेर जिला में देख रहा हूँ पखांजुल कापसी बांधे इतना मछली उत्पादन हो रहा है। यहाँ का मछली अभी कलकत्ता जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, 3 प्रदेश तो यहाँ से जाते रहते हैं। पहले ये 3 प्रदेश में कलकत्ता से मछली आते रहा और अभी सब यही से हम लोग उत्पादन करके भेज रहा है, हर किसान भेज रहा है। इसमें हमारा सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ मछली आज हर स्टेट में जा रहा है, हर प्रदेश में जा रहा है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का किसान लोग ये मछली विभाग के द्वारा से अनुदान लेके बहुत मुनाफा मिला है और बहुत आगे भी बढ़ा है। तो मेरे पास मैं भी इतना बोल सकता हूँ, अगर हर किसान अगर मछली डिपार्टमेंट के पास जाए और अनुदान राशि ले और तालाब बनाए तो इन लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। जो किसान भाई बंधु
मछली पालन करना चाहते हैं या कुछ अतिरिक्त आय चाहते हैं, तो स्वपन मंडल जी की तरह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या कहें नीली क्रांति से जुड़कर अपनी जिंदगी को नया आयाम दे सकते हैं, क्योंकि जल में रहने वाली मछली भी किसानों को नया सौगात दे सकती है और आप बन सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान।